बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर ग्राम भावसा में जनसहा संस्था द्वारा आयुष्मान आधार कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन स्वास्थ्य एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से किया गया। सोलंकी ने बताया, आसपास के 12 से 15 गांव के लोगों ने आकर जांच करवाई, जिसमें गर्भवती की जांच, बच्चों की स्क्रीनिंग और किशोरियों की जांच, एनीमिया, पोषण, मासिक धर्म के बारे में बताया गया। साथ ही सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया, सामुदायिक का सामान्य बीमारियों का चेकअप किया गया, साथ ही में लैब टेक्नीशियन द्वारा जांच की गई और फार्मासिस्ट के द्वारा निःशुल्क दवाई वितरण की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर जावेद शेख एवं पल्लवी मंडलोई द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसमें यहां पर समुदाय के कुल 455 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में सेक्टर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ANM व जन साहस संस्था के बुरहानपुर जिला समन्वयक रूप सिंह सोलंकी, अर्जुन कांबले, शैलेंद्र धार से, महेश चौहान, सुनील माया, संगीता दुर्गा, संजना तिलोक, अकील खान, आकाश विलास, वैष्णवी, सह सचिव रफीक तंडवी आदि की भूमिका अहम रही। किस संस्था की ओर से शिविर लगाया गया? ये शिविर जन साहस सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी संस्था देवास की है, उसके थ्रू यहाँ पर यह हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, कुपोषित बच्चे और मौसम आधारित जो अन्य बीमारियां हैं उनको लेकर यहाँ पर ये शिविर लगाया गया है, जिसमें महिला डॉक्टर और पुरुष डॉक्टर को अलग अलग यहाँ व्यवस्था की गई है और महिलाओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनके महिला डॉक्टर देख रहे हैं और पुरुष से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको पुरुष डॉक्टर देख रहे हैं। और डॉक्टर को लग रहा है कि अगर किसी चीज़ का चेकअप करवाना है, जाँच करवाना है तो लैब टेक्नीशियन की अभी हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था की है, तो वो भी यहाँ पर जाँचें भी हो रही हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर मेडिसिन भी उनको उपलब्ध करवा रहे हैं, जो भी ज़रूरी मेडिसिन है वो। तो इस प्रकार से ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भावसा के आसपास के जो भी अन्य गाँव हैं, 7-8 गाँव, वहाँ से भी हम लोग पार्टिसिपेट करवा रहे। शिविर लगाया गया आज, ये आज का शिविर हम लोगों ने ग्राम भावसा के अंतर्गत यहाँ पर आयोजित किया है और आयुष्मान आधार जो है इसके अंतर्गत जो है ये आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है इसका मतलब इन्हें पूरा फंडिंग इसी के तौर से जन साहस जो है ये हम लोगों का इम्प्लीमेंटेशन मतलब वो है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर ग्राम स्तर पर एक कैंप का आयोजन किया है और वैसे तो इसका जन स्वास्थ्य का हमारा मिशन है, परंतु इसके अंदर हमने 4 जो मुख्य बिंदु लिए हैं वो गर्भवती महिलाओं को मतलब समय रहते उनका प्रबंधन करना, जो हाई रिस्क गर्भवती महिला रहती है उनकी पहचान करना और उनका उचित प्रबंधन करना, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य के बारे में देखभाल कर उनको साफ सफाई और उनको क्या खाना क्या नहीं खाना और कौन कौन सी गोली उनको खाना, आयरन की कब लेना है, उसके लिए आयोजन किया। और हमने खास तौर से इसमें जो कुपोषित बच्चे जो होते हैं ग्रामीण अंचल के अंदर, तो कुपोषित बच्चों को आइडेंटिफाई कर उनको NRC के लिए हम लोगों ने यहाँ से मतलब बहुत सारे बच्चों को रेफर भी किया है और जो बच्चे NRC से होकर आ गए हैं उनके अभिभावकों को हमने खाने पीने की सही सलाह दी है, उनके अंदर एक जागरूकता मतलब पैदा की है और जो बच्चों को भूख वगैरह नहीं लगती है फिर उसके बारे में हम लोगों ने उनको मेडिसिन यहाँ पर प्रोवाइड की। कितने टीम काम कर रही है सर इसमें, कितने डॉक्टरों की? हम लोग 2 डॉक्टर्स इसमें हैं, डॉक्टर पल्लवी मंडरी मेडिकल ऑफिसर CHC लालबाग और माइसेफ डॉक्टर जाभिषेक आयुष मेडिकल ऑफिसर PHC गोदरी। सर अभी तक कितने लोगों का पंजीयन हो गया? अभी तक 455 पेशेंट्स का पंजीयन हो गया है और पंजीयन अभी भी ऑनलाइन चालू ही है बिल्कुल, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जितने पेशेंट्स आएंगे हमको सभी पेशेंट्स को यहाँ पर देखना है। ये क्या निःशुल्क हो रहा है सर? हाँ, 101% निःशुल्क है, क्योंकि इसकी जो फंडिंग कंपनी है वो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है जो इसका पूरा फंडिंग कर रहा है। आपका नाम और पद बताइए। मायसेल्फ डॉक्टर जावेद शेख, आयुष मेडिकल ऑफिसर PHC गोदरी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।